ये मैं हूँ आज से 5 साल पहले। मेरे आर्म्स के मसल हमेशा से वीक रहे हैं और मैंने इनके ऊपर काफी मेहनत करी, जिससे मुझे तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। बॉडी डिसमॉर्फिया आप सभी ने सुना होगा। मेरे आर्म्स तो ग्रो हुए, बट स्टिल आई वॉन्ट देम मच बिगर। ये मैं हूँ आज से कुछ रात पहले। मैं अपने पीसी पे वर्क कर रहा था, इतने में मैं कुछ ना कुछ टॉपिक ढूंढता ही रहता हूँ अक्सर। तो मुझे एक टॉपिक दिखा, न्यूक्लियर ओवरलोड ट्रेनिंग। बेसिकली ये है क्या, इसमें आपको एक सिंगल ग्रुप ऑफ मसल को डेली ट्रेन करना है ताकि आप उसको जल्दी ग्रो कर सको। मैं अभी पढ़ ही रहा था इस यूनिक ट्रेनिंग मेथड की थ्योरी के बारे में। अगर मैं आपसे सच बोलूं तो मुझे ये थ्योरी काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि न्यूक्लियर ओवरलोड ट्रेनिंग काम कैसे करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये मसल फाइबर है, उसमें जो ब्लैक डॉट है ये न्यूक्लियस है जो ऑपरेशन में ब्रेन का काम करता है। हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम बॉडी में मसल गेन कर सकते हैं। नंबर वन, इसमें आप ट्रेनिंग करते हैं और मसल ब्रेक डाउन करते हैं। जो मसल सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके मसल्स को बड़ा और बेहतर रिपेयर करते हैं विद दी हेल्प ऑफ प्रोटीन। नंबर टू, न्यूक्लियर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है जो मसल सेल्स में होता है। लेट मी एक्सप्लेन। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाते हो तो आपके मसल्स के अंदर माइक्रोटियर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लिया भी बढ़ता है, ताकि वो न्यूक्लियाई उन छोटे छोटे मसल रिपेयर को जल्दी से फिक्स कर सके। अब होगा क्या कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं तो पहले से ज़्यादा बड़ा रिपेयर भी होगा मसल में। कुल मिला के शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन कर पाओगे। अब हो क्या रहा है न्यूक्लियर ओवरलोड ट्रेनिंग में कि आपको एक सिंगल मसल को रोज ट्रेन करना है, जिसकी वजह से ज़्यादा मसल ब्रेक डाउन होगा और वो फोर्स करता है कि आपके न्यूक्लिया ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। मुझे आपसे एक चीज कहनी है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, ऐसा कोई भी ऐसा रिसर्च या एविडेंस नहीं है जिससे साबित होता हो कि कितनी सच्ची है। सो यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे अपने आर्म्स ग्रो करने हैं तो मैं हर रोज अगले 30 दिन तक डेली आर्म्स ट्रेन करने वाला हूँ। आइए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। 14 अप्रैल फ्राइडे, देख सकते हैं आप, फोकस करना। 14 अप्रैल फ्राइडे और आज हम नापने वाले, मेरा वो कहाँ गया यार, इससे हम नापेंगे। तो अली भाई आप नाप ही दिए आगे ना। 25 16 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
भाई से ट्रेन करना किसे पसंद नहीं होता, और ट्रेनिंग के हिसाब से तो बहुत ही आसान है। मुझे आर्म्स में किसी भी तरीके की थकान नहीं थी जबकि मैं इन्हें रोज ट्रेन कर रहा था, और अगले दिन जो पंप आता था ना उसकी तो बात ही अलग। अगर मान लो जैसे आज मेरा लेग वर्कआउट है तो मैं लेग वर्कआउट खत्म करके 10 मिनट लिए आर्म ट्रेन जरूर करता था। संडे को भी हम जिम जाते थे 10 से 15 मिनट आर्म ट्रेन करते थे। अच्छी बात ये थी कि हमारा जिम संडे को खुलता था, और अगर हम नहीं करते तो 30 डेज चैलेंज कैसा। आज पूरे 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से मेरा आर्म साइज काफी बड़ा हो गया, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। उसका रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं डेली आर्म्स लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि पंप तो आना ही है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे आर्म बड़े हो गए, बट रियलिटी में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता। बस 2 हफ्ते निकले ही थे और उसके बाद मैंने एक फोटो क्लिक करा तो वो तो इतना शानदार आया ना, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था ये मैं हूँ कि नहीं हूँ। और इसके बाद तो मुझे इतना यकीन हो गया कि मेरे आर्म्स तो पक्का ग्रो कर रहे हैं। लास्ट 30 डेज के अंदर मैंने काफी अलग अलग एक्सरसाइजेस करी हैं। मैं हर सेशन के अंदर एक्सरसाइजेस चेंज करता था, बट अगर बात करें मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेस की, ट्राइसेप पुश डाउन, हैमर कर्ल, ट्राइसेप एक्सटेंशन, जिगजैग कर्ल, केबल कर्ल। आज है वो दिन डे 30, और अब देखना ही है कि आर्म का साइज जो है मेरे बड़ा है कि नहीं बड़ा। जैसे मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक रहा है, और देख सकते हैं संडे दिख रहा है स्क्रीन में, संडे और शायद 14th of May कैसे करना, संडे 14th of May ओके। और अब अरे नाप में आके एक बार चेक करना। आज से ठीक 30 दिन पहले मेरे आर्म्स का साइज था 16 इंच। सो वॉट अबाउट टुडे भाई, सो ले आ रहा है। माय फाइनल आंसर, क्या हमें आर्म्स को डेली ट्रेन करना चाहिए ताकि हम उनको बड़ा कर सकें? बिल्कुल भी नहीं। द रीजन इज कि अगर आप किसी भी मसल को 30 डेज तक कंटिन्यूअसली हिट कर रहे हो तो आपको रिकवरी का टाइम तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर वो ग्रो कैसे करेगा? तो यही एक रीजन था कि आपने वीडियो में देखा मेरा मसल आधा इंच या 1 इंच भी ग्रो नहीं करा। अगर करता तो शायद मैं आपको रिकमेंड कर देता, बट
अभी के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज आप अपना प्रॉपर वर्कआउट प्लान बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें, और साथ ही साथ रेस्ट एंड रिकवरी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपका मसल साइज ग्रो करेगा। सो अगर आपको वीडियो किसी भी वजह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।